दिस इज नुशरत एंड यू आर वाचिंग एनके एडुकिया। बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लेट्स सी। क्वेश्चन सेज है बच्चों, इन फिगर 6.30 इफ एबी पैरेलल टू सीडी एंड ईएफ इज परपेंडिकुलर टू सीडी एंड एंगल जीईडी इक्वल्स टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल एजीई, एंगल जीईएफ एंड एंगल एफजीई। क्वेश्चन कहता है AB and CD टू पैरेलल लाइंस हैं। दिस इज AB एंड दिस इज CD। AB एंड CD टू पैरेलल लाइंस हैं, ओके। एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD। EF CD पे परपेंडिकुलर है। एंगल GED ये पूरी की वैल्यू गिवन है। GED की वैल्यू गिवन है 126 डिग्री। हमें फाइंड करने हैं एंगल AGE, एंगल GEF, ये एंगल एंड एंगल FGE एंड एंगल FGE, दिस एंगल, राइट। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे रिटर्न कर लें। गिवन क्या है? गिवन है AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है एंड एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री। GED की वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री। एंड ऑल्सो यहां पे देख सकते हैं, जब AFE CD पे परपेंडिकुलर है देन व्हाट विल बी हियर, एंगल AFED कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। सो राइट ऑन हियर एंड एंगल AFED इक्वल्स टू 90 डिग्री। AFED की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ये सारे गिवन है, अब हमें क्या क्या फॉलो करने हैं इसे रिटर्न करें। 2.5 हमें फॉलो करने हैं एंगल AGE, दिस एंगल, एंगल AGE इक्वल्स टू व्हाट, एंड एंगल GEF, एंगल AGE इक्वल्स टू व्हाट, एंगल GEF इक्वल्स टू व्हाट एंड एंगल FGE, और ये भी फॉलो करने हैं एंगल FGE इक्वल्स टू व्हाट। ये सब हमें फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करें? सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या, यू नो व्हाट बच्चों, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखेंगे दैट AB पैरेलल टू CD, AB CD की पैरेलल है, राइट। अब AC क्या है? एक ट्रांसवर्सल है, परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल है, बट है ना। एंड FE, यस, यहां देखते हैं GE, FE भी ट्रांसवर्सल है एंड GE इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल। AB पैरेलल टू CD एंड GE इज अ ट्रांसवर्सल। AGE हमें फॉरवर्ड करने हैं एंड GED गिवन है। ये GED कंप्लीट यहां से आता है, गिवन है, ओके। जब AB CD के पैरेलल है और GE एक ट्रांसवर्सल है, देन व्हाट विल हैपन, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल GED, एंगल AGE equals to angle GED. How? Alternate interior angle. Okay? Alternate interior angle से ये angle और ये complete angle ऐसे equal हो जाएंगे. Understood? So written करेंगे. Since AB parallel to CD, चूंकि AB CD के parallel है and GE is a transversal. GE is a transversal. और जी क्या है? ट्रांसवर्सल है, ओके। देयरफॉर एंगल AGE, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, AGE GED के बराबर हो जाती है। एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, क्यों? एंगल AGE और एंगल GED इक्वल है, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, रीजन देंगे कैसे, देन यू विल राइट डाउन हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन है, राइट। देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, ओके। सो एंगल AGE कितने के बराबर हो जाएगी? GED। एंड GED की वैल्यू कितनी है बच्चों? GED की वैल्यू है 126 डिग्री।
जीईडी की एजीई की वैल्यू निकल गई यहाँ पे 126 डिग्री आ गई एजीई की वैल्यू. अब हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल जीईएफ, एंगल जीईएफ राइट. यहां से देखेंगे एंगल जीईडी, एंगल जीईडी में दो एंगल है, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी, टू एंगल्स है ना. एंगल जीईडी में टू एंगल्स है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, जीईएफ एंड एफईडी राइट. और एंगल जीईडी इक्वल्स टू एंगल जीईएफ, एंगल जीईडी एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी के बराबर है. एंड यू नो जीईडी की वैल्यू कितनी है, गिवन है 126 डिग्री ओके. जीईएफ की वैल्यू कितनी है, जीईएफ तो हमें फाइंड करने हैं, एफईडी 90 डिग्री, एंगल जीईएफ प्लस 90 डिग्री ओके. सो 90 डिग्री को हम ये साथ लाएंगे 16 में से, यू नो व्हाट, 126 में से 90 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 0 6, 12 माइनस 9 36, 36 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जीईएफ और जीईएफ इज इक्वल टू 36 डिग्री माइनस 6 ओके. देयरफॉर एंगल जीईएफ इक्वल्स टू 36 डिग्री, जीईएफ की वैल्यू कितनी मिल जाती है 36 डिग्री. और हमें ये भी फाइंड आउट करना था, दो वैल्यू निकल जाती है, टू एंगल्स की वैल्यू हमें मिल जाती है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एफजीई, एफजीई इस एंगल, इस एंगल को हम फाइंड करेंगे. ध्यान से देखेंगे बच्चों, यू नो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एफजीई एक ट्रायंगल है. सो इन ट्रायंगल एफजीई, ट्रायंगल एफजीई में एंगल एफजीई, एंगल एफजीई प्लस एंगल जीएफई प्लस एंगल एफईजी प्लस एंगल एफईजी और हम कह सकते हैं जीएफ प्लस एंगल जीएफ, गिवन है जीएफ, सो हम जीएफ रिटर्न करेंगे. और इन तीनों एंगल की मेजर कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टीज, ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में एंगल एफजीई, FGE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, FGE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्लस GFE, GFE अगर ये 90 डिग्री है या परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है CD पे देन AB पे भी तो परपेंडिकुलर है राइट. सो दिस इज 90 डिग्री देन दिस विल बी आल्सो 90 डिग्री, ये भी हमारे 90 डिग्री हो जाएगी. सो एंगल GFE की वैल्यू मिल जाएगी, या GFE और EFG मैटर सेम है, GFE की वैल्यू मिल जाती है 90 डिग्री प्लस एंगल GEF, GEF की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री, 36 डिग्री एंड टुगेदर दे मेक्स 180 डिग्री. और तीनों एंगल की मेजर कितनी हो जाती है 180 डिग्री. नाउ एंगल FGE प्लस 90 एंड 36 6 एंड दिस 12, 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल FGE, FGE की वैल्यू हमें मिल जाती है 180 में से 126 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, 54 डिग्री ओके. एफजी की वैल्यू मिल जाती है 54 डिग्री, एंगल एजी की वैल्यू 126 डिग्री, एंगल जीईएफ की वैल्यू 26 डिग्री एंड एंगल एफजी की वैल्यू वी हैव गॉट 54 डिग्री. अंडरस्टूड बच्चों, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, वेरी इजीली. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. Go on practicing it.